हेडलाइन दीजिए सिग्मा नोटेशन, समेशन ऑफ सीरीज सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, समेशन ऑफ सीरीज या फिर समेशन ऑफ जनरल सीरीज, समेशन ऑफ जनरल सीरीज, कई सारे सीरीज को जोड़ने की कला सीख लेंगे इसे। ये सिग्मा का मतलब जानते हैं आप? क्या होता है? समेशन। सिग्मा का मतलब समेशन, और इसका जनरल फॉर्म होता है अगर सिग्मा ऑफ टी आर, आर इक्वल टू वन से एन तक दिया है, इसका क्या मतलब है? टी वन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू एन टर्म का तक का सम। समझ गए जी बात? ये इसका मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना। कभी भी अगर आप किसी कांस्टेंट यानी वन को ही वन से एन तक ऐड करोगे तो वन प्लस वन प्लस वन कितने बार? एन टाइम्स। और एन टाइम्स वन ऐड करने पर कितना आता है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? समस्या नहीं है। इसके बाद देखो, अगर कोई कांस्टेंट को ए को बहुत बार ऐड कर दिया, वन से लेकर के एन तक ऐड किया, इसका मतलब पहली बार ए, दूसरी बार ए, तीसरी बार ए, ए ए ए ए ए ए ए ए, हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स। तो क्या होगा ये? एन ए। क्या होगा? ना। आगे बढ़ो, क्या आप समेशन ऑफ आर जानते हैं? मैं बता दे रहा हूं, समेशन ऑफ आर वन टू एन, इसका मतलब होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट 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 कितना? क्या ये वन से एन तक के नेचुरल नंबर का सम है? और वन से एन तक का नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? पढ़े होंगे ना, एपी है ये। और एपी का सम का फॉर्मूला बड़ा है, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी एन बाई टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एन। तो क्या इसे एन इंटू एन प्लस वन बाय टू बोलेंगे? समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय, याद रखना ये चीज, समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय, समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। इसी प्रकार अगला समेशन आर स्क्वायर का समेशन कहाँ से कहाँ तक? वन से एन तक। वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, आर का वैल्यू बदलते जाना है, वन टू थ्री फोर रखना है, डॉट 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 कितना जी? समेशन का फॉर्मूला बोलना जरा, पता नहीं आपको, मैं बता दे, बोलो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, क्या बोलोगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, वाह, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, बोलो, फिर बोलो, फिर से बोलो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, फिर बोलो, थोड़ा फास्ट बोलो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय। ये रहेगा याद? याद हो गया? सबको याद हो गया? किसी को याद नहीं हुआ? ऐसा कोई है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आर क्यूब का फॉर्मूला, वन से वन से एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, बोलो, 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 बोलो,
हो गया जी, हो गया। एनी टू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एनी टू एन प्लस वन बाई टू का, एनी टू एन प्लस वन इंटू टू का, एनी टू एन प्लस वन बाई टू का, एनी टू एन प्लस वन बाई टू का, सभी एक साथ बोलो समीकरण बाहर चलो, एनी टू एन प्लस वन बाई टू समीकरण बाहर स्क्वायर चलो, एनी टू टू एन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सॉरी एनी टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स समीकरण बाहर के बीच को लेने इंटू एन प्लस वन बाई टू का। अरे भाई एक बार फिर सुनो, आर का समीकरण एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर का समीकरण एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर का समीकरण एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर स्क्वायर का समीकरण एन इंटू टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और समीकरण बार क्यूब इसी का इसी का इसी का इसी का याद रहेगा जी। इसके बाद क्या होगा, आर टू दी पावर, अयो कोई कांस्टेंट टू दी पावर आर, ये जीपी बनता है, जीपी बने हैं ये वन टू एन। बोलो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, रेशियो क्या होगा, एच ए, ये होगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू ए एन, क्या होने वाला है ये रेशियो क्या होगा इसका, ए का पावर माइनस बाय ए, ए काट दो क्या, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, असंभव, परंतु ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो होता ही नहीं है भाई जीपी में, चलो वो भी लिख देता हूँ, जीरो भी नहीं हो सकता, समेशन ऑफ ए टू द पावर आर। अच्छा देखो अभी आप ए पी का जनरल टर्म देखना जरा क्या होता है, ए प्लस आर डी, आर शुरू होता है जीरो से, एंड होता है एन माइनस वन पर, पढ़े लिखे होते इतना तो जानते ही होंगे। इसका जनरल फॉर्म, इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स टू ऐड, एन टर्म्स, और फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, ए ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी ए प्लस सिक्स डी ए प्लस सेवन डी ए प्लस एट डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी है ये, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, सम का फॉर्मूला बोला, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन बाई, अरे यार एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन बाई, बट बाई डी नहीं होता, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस वन इंटू, ये होता है ना, चलो इसे ऐड, इसका फॉर्मूला बोल देते हैं, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, बराबर है जी। ये क्या है जी पी, क्या है ये, ये क्या है, इतने समेशन ऑफ सीरीज है, ये सब सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, फोर इंटू फाइव, इसको कुछ लोग पॉइंट पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं वो, पर वो गलत है, इसको क्या पढ़ेंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू डॉट 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 डॉट, एन एट टर्म बोलो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन होगा क्या, ओके क्या आपको समेशन ऑफ, अगर आपको एस एन चाहिए, ये भी टर्म यहाँ लिखी देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये घटिया रिजल्ट है, सम ऑफ एन टर्म्स, अरे ये तो यहाँ लिखा ही है, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब होता है टी आर का समेशन, यानी आर एट टर्म का समेशन, यही होता है, देखो जरा यहाँ टी आर बोलो, आर एट टर्म क्या है जी, आर इंटू आर प्लस वन बरोबर, आर इंटू आर प्लस, तो इस हिसाब से आर स्क्वायर प्लस, तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए तो समेशन ऑफ टी आर लगाओगे नहीं लगाओगे, अरे लगाओगे नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, टी आर का, और टी आर क्या दिया है जी, आर स्क्वायर प्लस, अच्छा अच्छा दोनों टर्म्स को अलग अलग समेशन लगा सकते हो, ये वो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख दो भाई, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये भी लिख लो, समेशन ऑफ दो टर्म है टी आर और प्लस टी आर, इसे आप अलग अलग कर सकते हैं सम या सब्ट्रैक्शन में, समेशन ऑफ टी आर अ प्लस माइनस समेशन ऑफ स्मॉल टी आर, ये अलग टाइप का टर्म्स है, ये अलग टाइप के टर्म्स है, जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर अलग टाइप के टर्म है, आर अलग टाइप के टर्म है, तो दोनों को इंडिविजुअली सम कर लीजिए, आर स्क्वायर का समेशन लगाइए, क्या लिखोगे इसे, समेशन ऑफ आर स्क्वायर अ प्लस समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर का समेशन फॉर्मूला बोलो, बरोबर जी,
कुछ पता चला क्या किया मैंने? Yes, अरे 2 × 3 = 6 होता है, सबको पता है। Yes, लेकिन 6 को 2 × 3 लिखने की कला आपको आनी चाहिए। Yes, पर मैं लिखा क्यों, पूछो क्यों? Yes, नहीं बताऊंगा। समेशन ऑफ r बोलो, n × n+1/2। आप देखो ये और ये कॉमन आ जाएगा। Yes, इसीलिए लिखा था n × n+1/2। कॉमन ले लिया था, क्या मिला? 2n+1/3+1। क्या इसे 2n+1+3/3 लिखा जा सकता है जी? Yes, sir. क्या ये 2n को n 3+1 लिख के 4 कर सकते हैं जी? Yes, sir. तो क्या ये 2n+4 हो जाएगा? Yes, sir. 2 कॉमन लेने के बाद n+2 हो जाएगा। ओके, yes, okay. तो ये बनेगा n × n+1 × 2 × n+2 डिवाइडेड बाई ये 2 और वो 3। खड़ खड़ n × n+1 × 2n+2/3। अरे भाई साहब चिलम काहे फूंक रहे हो? इधर देखो क्या किया, इधर नींद में हो क्या? तो क्या किया इधर बताओगे? बता दोगे? फिर नहीं पूछता जाने दो। अगला क्वेश्चन तो ये समझ गया सबको? Yes, कितने लोग समझा जी? अपना आर्थिक नहीं दिख रहा सामने बैठा आर्थिक आला, सही में आ गया? झूठ बोल रहे हो? नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। ऐसे है, अच्छा इसके साथ एक और नोट लिख लो, इसको थोड़ा समझा देता हूँ। दो अलग अलग प्रकार के टर्म रहेंगे, तो दोनों को इंडिविजुअली सम कर सकते हो? Yes, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो? Yes, परंतु मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। परंतु दो इंडिविजुअल टर्म रहेंगे, मान लो एक टी आर है, एक टी आर है, 1 से n तक है, इसे आप इसके इक्वल नहीं लिख सकते। समेशन ऑफ टी आर इंटू समेशन ऑफ टी आर, ये नहीं होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर देते ना, समेशन ऑफ 1 × समेशन ऑफ 2, ऐसा ये समेशन, ये फॉर्म क्या है, r × r+1, जिसको समेशन ऑफ r × समेशन ऑफ r+1 कर देते तो गलत हो जाता। समझ गई जी बात? तो अगर दो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में रहेंगे तो उन्हें आप इंडिविजुअल सम करके प्रोडक्ट नहीं कर सकते, पर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो इंडिविजुअली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते। समझ गया बात? Yes, ये स्टेटमेंट कितने लोग समझ गया जो मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कवि क्या कहना चाहता है? समझ गया भावार, आपको नींद आ रहा है? एक काम करो, फूका करो, फूकने से नींद खत्म हो जाती है, कॉलेज में सीखा था मैंने, मतलब सुना था। अरे यहाँ क्या फूकता थोड़े ना यार, मैं सीखा नहीं था, मतलब सुना था। लड़के लोग ऐसा करते हैं यार, बहुत बदतमीज, पढ़े लिखे लोग और भी ज़्यादा बदतमीज होते हैं। रात के 12 बजे निकलते हैं, सिगरेट फूकते हैं, अरे रे रे राम राम। चलो जी ऐसे क्या करें? अरे अंकल इधर देखो ना, पेन खाने में क्या मिलता है? शहद लगा के आते हो क्या पेन पे? और सुबह सुबह निकलते वक्त चुनते होंगे आज कौन सा खाऊंगा, ये पिंक वाला ले लेता हूँ। पेन खाने में क्या मिलता है? आनंद, मैं बता रहा हूँ, यूज एंड थ्रो पेन को चबाने में जो आनंद है, हाय हाय, वो एक अलग सुकून है। खाए कभी पेन? मिट्टी खाए? मिट्टी मिट्टी खाए हो ना, अच्छी बात है, पेट में खेत पैदा कर लिए इन लोगों ने। चलो जी ऐसा देते, मान लो सम ऑफ एन टर्म्स 1 × 3 + 2 × 4 2 × 5 + 3 × 7
एंड 5 इंटू अयो 4 इंटू 9 एंड सोन गड़गड़। तो समेशन ऑफ सीरीज को क्रैक करने के लिए आपको इसके जनरल टर्म का पैटर्न क्रैक करना होता है। बताओ जनरल टर्म क्या होगा? देखो मैं एक एकदम सरल तरीका बताता हूँ जनरल टर्म कैसे क्रैक करते हैं। इसके पहले टर्म को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? R। और अगला क्या है? R प्लस 2 है क्या? पक्का? अरे मूर्खों, 2 प्लस 2 5 होता है। सेकेंड टर्म है 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर है ना, तो वो हो जाएगा 2R, 2R plus 1। समझा जी? जनरल टर्म क्रैक हो गया। अब जनरल टर्म क्रैक हो गया तो अब सिर्फ समेशन लगाना है। क्या करना है? क्या लगाना है भाई साहब? वो लाल पीले इधर देखो ना, सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा जी? समेशन ऑफ 2R अब प्लस समेशन ऑफ। अच्छा देखो, ये जो कांस्टेंट है ना, इसका कोई रोल नहीं रहता, कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अब प्लस समेशन ऑफ। बोलो फॉर्मूला, 2n(n+1)(2n+1)/2(3) हैं? हैं? प्लस n(n+1)/2। 2 काट दें? नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है ना। तो हम ऐसे कैसे काट लें? अच्छा नहीं लगता। n(n+1)/2 क्या आ गया? कॉमन। इधर क्या बचा जी? क्या बचा? 2 times of 2n+1, 2 जा प्लस 2 प्लस बाय 3 कितना? अब इसके बाद कर लोगे आप, क्या लिखोगे? n(n+1)(4n+5)/6 कर पाओगे? स्वयं से करो। उसमें करना क्या है, लास्ट में आंसर लिखते समय कर लेना। क्वेश्चन लीजिए हुजूर। सम ऑफ 100 टर्म्स, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन। बोलो उसका जनरल टर्म क्या होगा जी? जनरल टर्म इज R(r+1)(r+2) बोलो R² R times of R+2 बोलो R³R² 2R² 2R बराबर है जी? yes, इतना करते आता है आप लोगों को? yes, चलो जी, R³(3R²)+2R ये आपका जनरल टर्म हो गया। आपको क्या चाहिए? समेशन ऑफ 100, मतलब 1 से लेकर के 100 तक किस किस का? आर क्यूब का। फिर 1 से लेकर 100 तक कितना था? 3 है, 3 बाहर आ जाएगा जी। और समेशन ऑफ R 1 से 100 और 2 बाहर आएगा। चलो इसे कैलकुलेट करो। आर क्यूब का समेशन क्या होता है? n(n+1)/2 का n कितना है जी? 100 into n+1 कितना होगा जी? बाय 2 का प्लस 3 टाइम्स ऑफ n, n का मतलब इंटू 2n+1 101 इंटू 2n+1 कितना होगा जी? 201/3 into प्लस आगे बोलो जी, 2 into 100 into 101/22 कैंसल 2 ये अबाउट इशू 3 3। चलो जी ये हो जाएगा, कितना होगा जी? 15 into 101 5050 का प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, वो नहीं होगा, हो जाएगा कितना जी?
5050 into 201. Okay. Plus 5050. इसको कैलकुलेट कर पाओगे? 10 10 100. ठीक है, जैसा आप बोले कैलकुलेट कर लेंगे. क्या कर पाओगे? करो. क्या है जी? 2 times कहाँ से आया? टू तो कट गया. चलो एक बार सवाल लीजिए. चलो इन्हें कैलकुलेट करो. टाइम कितना हुआ है? 5 मिनट बचे हैं ना. इसे कैलकुलेट कीजिए. ये इतना करो. देखो इसमें हिंट ले लो. ये क्या बोला है? 21 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक. तो एक काम करो, 21 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक का सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, लेकिन 1 से 50 तक पता है क्या? तो 1 से 50 तक ऐड कर दो और फिर इसे 1 से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो. क्या इसे 1 से 50 तक ऐड कर दें? और माइनस 1 से 20 तक. तो बचेगा कौन? यही बचेगा. क्या बोला? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक का सम, माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का सम. तो बचा कौन? यही बचा. तो इस लॉजिक लगा लेंगे, ये लॉजिक. और ये है क्या? आर स्क्वायर ही तो है. आर स्क्वायर का लिमिट पहले 1 से 50 और माइनस 1 से 20. तो इस लॉजिक से ये बन जाएगा. बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी बना लें.